तरफ तरफ के हमारा कोटी मर गए, इसलिए हत्यारे को फांसी सजा होना चाहिए। छोटी बहन मेरा आपके सामने तरफ तरफ की मारी, उसको फिर से बरस सकते फांसी भी उसके लिए कम। ऐसा सजा दीजिए कि फांसी की सजा दीजिए। घटनाएं होती रहती है और सरकार इन सभी घटनाओं पर नजर रखती है। झारखंड के दुमका के रहने वाली अंकिता, बमुश्किल वो 18 साल की होगी। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह, लेकिन अफसोस कि जीने की तलबकार जिंदगी मौत से लड़ते लड़ते खामोश हो गई। ये एक बेटी का जनाजा नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम पर एक तमाचा है। जरा इस जनाजे को गौर से देखिए, जिसमें अंकिता को चाहने वालों की सिसकियां आपको सुना दी जाएंगी। साथ ही सुना दी जाएगी अंकिता की वो आवाज जो सिर्फ इंसाफ मांग रही। हम जरवाड़ी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फोन करके धमकी दिया, उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। वो लड़का हमेशा नशा वशा करता, सबके साथ यही करता है। लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा है? 10-15 दिन से। स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था, मैं नंबर किसी ने लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला के लड़के से। हाँ, बहुत किसी में आवाज घुमाता है सबके सामने। धमकी दिया था रात को पापा को, रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते, सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया होता है, डिब्बा और माचिस लिया होता, भाग रहा था, ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। कल 4 बजे सुबह हुआ, फिर दुमका का हॉस्पिटल में थे, वहाँ से रेफर किया, 9 बजे रात को निकले, सुबह यहाँ 5 बजे पहुँचे। वहाँ इलाज क्या क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बस मलहम लगाया था और बस ऐसे असलाइन चढ़ाया था। नहीं, परेशानी है उतना नहीं है, जलन थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी और है परेशानी। हम जरवाड़ी से रहने वाले हैं और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया, उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। वो लड़का हमेशा नशा वशा करता, सबके साथ यही करता है। लड़का का नाम शाहरुख है। और ये कितने दिन से तुमको तंग कर रहा है? 10-15 दिन से। स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था, मैं नंबर किसी ने लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं करेगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि बात तुम करो, बात नहीं करेगी तो तुमको मारेंगे, सबको मारेंगे। और ये वो लड़का ऐसा पहले और किसी के साथ भी किया है क्या? हाँ, बहुत किसी से बात करता है, मोहल्ला के लड़के से। हाँ, बहुत किसी में आवाज घुमाता है सबके सामने। धमकी दिया था रात को पापा को, रात को हम अपना बताया, पापा वाले ठीक है सुबह देखते, सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया होता है, डिब्बा और माचिस लिया होता, भाग रहा था, ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। कल 4 बजे सुबह हुआ, फिर दुमका का हॉस्पिटल में थे, वहाँ से रेफर किया, 9 बजे रात को निकले, सुबह यहाँ 5 बजे पहुँचे। वहाँ इलाज क्या क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं हुआ था, बस मलहम लगाया था और बस ऐसे असलाइन चढ़ाया था। नहीं, परेशानी है उतना नहीं है, जलन थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी। अस्पताल में ये बेटी 5 दिन तक जिंदगी जीने की आस में मौत से लड़ रही है, पर आखिरकार मौत अपनी मनमानी कर ही गई। अंकिता उस तकलीफ का नाम है जिसे सोचने से रूह रोती है। अफसोस कि ये बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अंकिता मरी नहीं बल्कि मार दी गई है, लेकिन अंकिता ना होकर भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मामला दुमका के जरुआडीह मोहल्ले का है। यहाँ के निवासी 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह से गाँव का ही एक शाहरुख एक तरफा प्यार करता था। आरोप है कि 23 अगस्त तड़के 4 बजे अंकिता अपने कमरे में सो रही थी, तभी शाहरुख खिड़की के बाहर से अंकिता को देख रहा था। शाहरुख के इशारे पर उसके दोस्त मोहम्मद नईम अंसारी और छोटू ने उसे पेट्रोल ला कर दिया। खिड़की से ही शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल उड़ेल दिया,
और आग लगाकर चला गया। गंभीर रूप से झुलसी अंकिता को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां 5 दिन मौत से जंग करती अंकिता ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12वीं की छात्रा अंकिता के परिवार ने बताया कि शाहरुख लंबे समय से उसके पीछे पड़ा था। एक बार अंकिता के कमरे की खिड़की में तोड़फोड़ भी की थी, जिसको लेकर अंकिता के पिता ने आरोपी शाहरुख के भाई सलमान से शिकायत भी की थी। हालांकि मामले को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया था और आज शांत हो गई है तो वो है अंकिता। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।